हेलो एवरीवन, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी टॉपिक ऑन हिस्ट्री ऑफ महाभारता पार्ट टू। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था महाभारता बिफोर पांडव्स एंड कौरव्स जो रूलर थे, तो उस डायनेस्टी के मेजर रूलर्स कौन कौन थे। उस डायनेस्टी का जो कि एसेंशियली कुरु डायनेस्टी है, उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इनिशियली क्या था, क्यों ये डायनेस्टी इतनी इन्फ्लुएंशियल बन गई। हमने जाना था कि ये डायनेस्टी ही थी जिसने वैदिक सिविलाइजेशन की और वेदों की स्थापना करी थी, और कुछ एनेक्डोट्स जो हमने शेयर किए थे। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो महाभारता के टाइम में, दैट इज इन द टाइम्स ऑफ पांडव्स एंड कौरव्स, इस डायनेस्टी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या है, और कैसे हम मैप में देखेंगे कि कैसे ये टोटल एरिया डिवाइड हुआ बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स। हमने पार्ट वन में देखा था कि क्या वजह थी ये डायनेस्टी बड़ी और इतनी इन्फ्लुएंशियल हो गई। पार्ट टू में हम देखेंगे कि क्या वजह रही कि ये डायनेस्टी गिरी और इसका पतन हुआ, अपार्ट फ्रॉम ऑफकोर्स द महाभारत वॉर। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही कि एसेंशियली महाभारत, जो कि एक फैमिली फ्यूड था बिटवीन टू पार्टीज, इतना बड़ा और इतनी विशाल एक वॉर हो गई, जिसको कि हम कह सकते हैं एक एंशिएंट वर्ल्ड वॉर के लेवल की। एंड फाइनली हम इस महाभारत का एस्टिमेटेड टाइम पीरियड जानने की कोशिश करेंगे, और इस वॉर के बाद जो आज की ज्योग्राफिकल इंडिया की जो ज्योग्राफिक बाउंड्री है, उस टाइम क्या क्या चेंजेस हुए। सो स्टार्ट करते हैं विद द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड डिविजन ऑफ द किंगडम बिटवीन कौरव्स एंड पांडव्स। तो अभी हम देखते हैं कि ये किंगडम का उस महाभारत टाइम के अंदर विस्तार क्या था, और कैसे ये किंगडम डिवाइड हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में। तो उस जमाने पे जब मेजरमेंट का इतना साधन हमारे पास नहीं थे, तो क्या तरीका था किंगडम की बाउंड्रीज को डिफाइन करने का। डेफिनेटली फिजिकल बैरियर्स डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम इन दोज टाइम्स। फिजिकल बैरियर्स जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। इनफैक्ट इंडिया के कई स्टेट्स आज भी इसी फंडामेंटल्स के बेसिस पे डिवाइड भी हुए हैं, लैंग्वेज एंड फिजिकल बैरियर्स। तो मसलन एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसकी की ईस्टर्न बाउंड्री यमुना रिवर से बनती है, और जिसकी नॉर्थन बाउंड्री लगभग सरस्वती रिवर का पुराना जो रिवर चैनल था, जिसमें कि अब सीजनल घग्गर नदी बहती है, उससे बनती है। तो वापस आते हैं अपनी महाभारत की टॉपिक पे। अगर हम देखें तो जो हस्तिनापुर का किंगडम था, उसका जो विस्तार था वो उस समय की सरस्वती नदी और के ईस्ट से, और जो गंगा नदी थी उसके वेस्ट के बीच में था। जब ये किंगडम डिवाइड हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, तो जो कौरवों के हिस्से में आया वो आया यमुना नदी के ईस्ट का इलाका और गंगा नदी के वेस्ट का इलाका, जिसमें कि हस्तिनापुर भी पड़ता है। जो पांडवों को मिला वो मिला यमुना नदी के वेस्ट का इलाका, और एक नदी जो उस टाइम बहती थी, जो कि सरस्वती नदी की बहुत प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी थी, दृशतवती नदी, उसके ईस्ट का इलाका। हालांकि दृशतवती नदी अभी सूख चुकी है और इसका रिवर चैनल भी इतना क्लियर नहीं है, बट अगर हम जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन माने तो ये जो व्हाइट लाइन है, तो इसको कह सकते हैं बेसिकली इसका ईस्ट का इलाका। इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि दृशतवती नदी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज के पास से बहती थी,
सबसे पहला तो कुरुक्षेत्र जिसके ये साउथ से बहती थी, और राखी गढ़ी जो कि अभी तक की सबसे बड़ी एक्सकवेटेड सिटी है वैदिक सिविलाइजेशन की, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से भी बड़ी। इनफैक्ट कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि एक टाइम पे राखी गढ़ी शायद जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो ये कुरु डायनेस्टी है, इसकी एक टाइम पे कैपिटल भी रही होगी। हालांकि कोई फर्म प्रूफ नहीं है, बट दिस इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द हिस्टोरियंस। तो अगेन आई रिपीट, कौरव के हिस्से में किंगडम आया यमुना नदी के ईस्ट एंड गंगा नदी के वेस्ट का इलाका, एंड पांडवों के हिस्से में किंगडम आया यमुना नदी के वेस्ट और धृष्टवती नदी का ईस्ट का इलाका। अब अगर हम देखें तो बचता है सरस्वती नदी और धृष्टवती नदी के बीच का इलाका। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि ये इलाका कुरु डायनेस्टी का मोस्ट क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट होली एरिया माना जाता है, बिकॉज ये माना जाता है कि इसी रीजन में वेदों की रचना हुई थी, और कुरुक्षेत्र इस रीजन का सबसे होलीस्ट प्लेस कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजन धृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के बीच में पड़ता है, और ये लगभग लगभग ऑलमोस्ट इन दोनों की जब ये रिवर्स प्लेन्स पे आती हैं तो ये उस समय का सबसे बड़ा शहर था जब ये नदियां प्लेन में आती हैं। इसको मैं अगर कंपेयर करूँ तो आज के टाइम में हरिद्वार से कंपेयर कर सकता हूँ, लगभग वही मान्यता उस समय शायद कुरुक्षेत्र की रही होगी। और ये यही एक बहुत बड़ी वजह है कि कुरुक्षेत्र में ये महाभारत की लड़ाई लड़ी गई, बिकॉज महाभारत की लड़ाई को धर्म युद्ध कहा जाता है, और ये धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र से बड़ा स्थान उस समय कुरु डायनेस्टी के इन्फ्लुएंस के एरिया के अंदर कोई था नहीं। तो बेसिकली ये हो गया ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अगर हम देखें तो धृष्टवती नदी और सरस्वती नदी उस समय मिलती थी हनुमानगढ़ शहर में, तो ये इस कुरु डायनेस्टी का हम मान सकते हैं सदर्न एंड पॉइंट रहा होगा। और अगर और नीचे की तरफ हम चलें तो हम देखते हैं कि ये एक साहिबी नदी बहती है, आज ये सीजन नदी है, जो कि कहीं अरावली से निकलती है। तो करीब करीब इनको ज्वाइन करते करते कुरु डायनेस्टी का सदर्न बाउंड्री हम फॉर्म कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज द एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द डायनेस्टी इन द महाभारत एरा, और कैसे ये किंगडम पांडव और कौरव के बीच में डिवाइड हुआ था उस समय। सो अगर मैं अब समराइज करूं असेंशली जो हमने मैप में देखा था, कुरु किंगडम एक्सटेंड करता था सरस्वती नदी वेस्ट में और गंगा नदी ईस्ट में, इन दोनों के बीच में। पांडव्स का कंट्रोल था असेंशली धृष्टवती नदी वेस्ट में और यमुना नदी ईस्ट में, जबकि कौरवों का कंट्रोल था यमुना नदी वेस्ट में और गंगा नदी ईस्ट में। द रीजन जो कि सरस्वती नदी और धृष्टवती नदी के बीच में था, जिसको कि ब्रह्मव्रत कहा जाता है, असेंशली मीनिंग लैंड ऑफ ब्रह्मा, वो रीजन विच वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट होली रीजन बाय द वैदिक ट्राइब्स, उसको न्यूट्रल छोड़ा गया था। कुरुक्षेत्र इसी रीजन में पड़ता है और वो इस रीजन का वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट प्लेसेस था। तो यही दो कारण रहे होंगे, दैट इज न्यूट्रल टेरिटरी जिसमें कुरुक्षेत्र पड़ता है और होलीनेस ऑफ कुरुक्षेत्र, जिसकी वजह से कुरुक्षेत्र को सिलेक्ट किया गया धर्म युद्ध महाभारत लड़ने के लिए। एक क्विक ट्रिविया बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे पांडवों के लिए पांच गांव मांगने, और कहा था कि अगर दुर्योधन वो ये पांच गांव पांडवों को दे दे तो ये महाभारत का युद्ध टल सकता है, तो वो पांच गांव जो कि आज भी यमुना नदी के किनारे हैं, उनका नाम है पानीपत, सोनीपत, बागपत,
इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली है और तिलपत जो कि आपका फरीदाबाद है, ये आज आज के शहर जो है एग्जैक्टली यमुना नदी के किनारे नहीं है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है नदी अपना रास्ता बदलती है और नए शहर भी पुराने शहरों के एग्जैक्ट लोकेशन में बसते नहीं है, बट क्लोज इनफ। तो ये पांच शहर थे जो कि पांडवों ने कौरवों से मांगे थे, श्री कृष्ण जो इनका मैसेज लेकर गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह रही अपार्ट फ्रॉम द महाभारत वॉर कि ये कुरु डायनेस्टी का पतन हुआ। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि कुरु डायनेस्टी महाभारत की लड़ाई से पहले ही डिक्लाइनिंग फेज में आ गई थी। रीजन क्या था? रीजन ये था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस वाज कि जो सरस्वती नदी और बाकी उसकी ट्रिब्यूटरी नदी विच इज दृशदवती नदी और सतलुज नदी, उन्होंने अपना रास्ता बदलना शुरू कर दिया था। सतलुज नदी की अगर मैं बात करूं तो सतलुज नदी पहले सरस्वती नदी की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज थी, जिसने रास्ता बदल के इंडस नदी में जाना शुरू कर दिया। ऐसी दृशदवती नदी जो कि सूख गई और शुरू में ही यमुना नदी से जाकर मिलने लगी। तो नदियों का रास्ता बदलना एक डेथ नेल है। आज भी अगर ऐसा होए तो एक डिजास्टर होता है। और उस टाइम जबकि एग्री बेस्ड सोसाइटीज थी, एग्री बेस्ड सिविलाइजेशन थी, ये तो बेसिकली इज कंसिडर एज अ डेथ नेल ऑफ द सिविलाइजेशन। इसकी वजह से मास माइग्रेशन होना बड़ा ही स्वाभाविक है। तो मास माइग्रेशन हुई और इन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट सिटीज जो कि ब्रह्मपुत्र में फॉल करती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले, राखीगढ़ी जो अब आज तक की सबसे बड़ी एक्सकवेटेड सिटी है सिविलाइजेशन की। ऐसे इतने बड़े शहर जब खाली होना शुरू होते हैं तो प्रोडक्शन डिक्लाइन होता है और सिविलाइजेशन का पतन तो बड़ा ही स्वाभाविक है। ऑल्सो एक बात हमको और देखनी चाहिए कि एक जनरल साइकिल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं, जो कि बड़ा ही नेचुरल है, बिकॉज ओवर सो मेनी सेंचुरीज जब एक सिविलाइजेशन चलती है तो उसकी वजह से उस सिविलाइजेशन के अंदर न्यू आइडियाज की कमी आने लगती है। ओल्ड ऑर्डर जो है, जो कि बाय बर्थ एंड बाय कॉन्टैक्ट अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, वो नए आइडियाज और नए लोगों को ऊपर आने से रोकता है और इसकी वजह से सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। This is called the process of creative destruction. ये भी एक वजह रहती है civilizations के decline में। और इसके अलावा जैसे ये civilization decline हो रही थी, east में मगध की civilization जो कि आज के modern day बिहार और झारखंड में है, rise कर रही थी। इसका rise करने का कारण दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे। पहला तो ये कि as time was passing, metallurgy knowledge और metallurgy metals का access बहुत ही critical होता जा रहा था। और हम जानते हैं कि झारखंड का जो area है वो metals में बहुत rich है। आज की तारीख में भी इंडिया का करीब करीब 40% metallurgical output जो है वो उस region से आता है और उस region में control था मगध dynasty का, जिसको कि महाभारत के time में lead कर रहा था जरासंध। दूसरी वजह यह कि जैसे सरस्वती नदी और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिब्यूटरी दृशदवती नदी ने अपना रास्ता बदला और वो यमुना नदी में आके मिलने लगे। यमुना नदी फाइनल में हमको जो हम जानते हैं आके मिलती है गंगा से त्रिवेणी संगम में। तो इसकी वजह से गंगा नदी की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। तो जैसे नदियां सूख गई ब्रह्मपुत्र रीजन से, जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ वैदिक सिविलाइजेशन का या कुरु डायनेस्टी का, गंगा नदी की इंपॉर्टेंस कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ गई, जिससे कि उभार आया मगध सिविलाइजेशन का। इस कोर्स के बारे में, रिवर कोर्स के बारे में, रिवर रूट के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो काइंडली सी द प्रेजेंटेशन ऑन सरस्वती रिवर फ्लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब हम जानते हैं कि क्या वजह रही कि महाभारत एक एपिक, एक वर्ल्ड वॉर लेवल की, एंशियंट वर्ल्ड वॉर लेवल की बैटल बनी। कि महाभारत असेंशियली में कहानी है एक फैमिली फ्यूड की। माना कि वो डायनेस्टी बहुत बड़ी रही है, बट एक फैमिली फ्यूड था
क्या वजह रही कि इतने सारे राजा इन्वॉल्व हुए और इतनी बड़ी ये वॉर बन गई। तो जैसा कि हमने अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि नदियां सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी और सतलुज नदी जो उस रीजन से बहती थी वो सूखनी चालू हो गई उसकी वजह, और ये नदियां यमुना नदी में, एटलीस्ट सरस्वती और दृश्यवती नदी यमुना नदी में जाकर मिलने लगी और सतलुज नदी इंडस नदी में जाकर मिलने लगी। दिस लेड टू मास माइग्रेशन ऑफ पीपल। ये रीजन वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेंस पॉपुलेशन वाइज रीजन इन द इंटायर कंट्री। कुछ बड़े शहर जैसे कि हमने डिस्कस किया राखीगढ़ी जैसे इस रीजन में पड़ते थे, तो यहां से मास माइग्रेशन लोगों का शुरू हो गया। तो जब भी इस तरह का माइग्रेशन होता है, आज भी अगर होता है, तो इससे बहुत स्वाभाविक है कि सोशियो इकोनॉमिक टेंशंस तो जनरेट होंगे। और यही सोशियो इकोनॉमिक टेंशंस थे जिन्होंने एक किंडल का काम किया, बेसिकली जिन्होंने सोसाइटी में ये टेंशंस आए, कियोस जनरेट होना शुरू हुआ और एक दुर्भावना जो सोसाइटी में थी वो पनपने शुरू हुई। ये जो फैमिली फ्यूड था एट द एंड ऑफ डे, जो कि कौरव्स और पांडव्स में आया था, ये फैमिली फ्यूड और ये बहुत ही आइडियल एक स्पार्क थी जिसने कि ऑलरेडी जो वोलेटाइल सिचुएशन थी उसको एक्सप्लोड कर दिया और इसी वजह से महाभारत की लड़ाई वर्ल्ड वॉर स्केल की हो गई। ऑल्सो एक ट्रिव्यास के साथ साथ, बलराम ने महाभारत की लड़ाई के दौरान एक होली पिलग्रिमेज किया था। वो गए थे सरस्वती नदी के अलोंग जो होली साइट्स थे उनके वहां पे उन्होंने होली एक रिलीजियस पिलग्रिमेज किया था। उन्होंने अपनी कथन में ये साफ साफ लिखा है कि कहां ये नदी डिसअपीयर होती है और कहां ये नदी दोबारा से रीअपीयर होती है। उन्होंने पूरा कोर्स सरस्वती नदी का लगभग पूरा कोर्स अपने कथन में बताया हुआ है। तो फाइनली हम आते हैं एस्टिमेटेड टाइम कि कब यह महाभारत की लड़ाई हुई और महाभारत की लड़ाई के बाद क्या क्या चेंजेस आए। जियोलॉजिस्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि सरस्वती नदी करीब करीब 3500 बीसी से 1900 से 1600 बीसी तक सूखी। तो बेसिकली इस पीरियड के दौरान सरस्वती नदी का सूखना चालू हुआ। अब जैसे कि मैंने पिछले सेट में डिस्कस किया, बलराम ने होली ट्रिप किया था एंड ही विजिटेड ऑल द रिलीजियस प्लेसेस अलोंग द सरस्वती रिवर बेड। उनकी डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि सरस्वती नदी सूखनी तो चालू हो गई थी महाभारत के पीरियड के ड्यूरिंग, बट पूरी तरह से सूखी नहीं थी। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि यह बताया है कि जो सरस्वती नदी है वो एक जगह विनाशना, जिसको कि मॉडर्न हिस्टोरियंस प्लेस करते हैं चोलिस्तान डेजर्ट में जो कि पाकिस्तान में है, और ये वहां पे जाके सूख वैनिश हो जाती है और फिर ये रीअपीयर होती है करीब इन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। तो इससे हमें पता चलता है कि सरस्वती नदी महाभारत काल के दौरान सूखना तो चालू हो गई थी लेकिन पूरी तरह सूखी नहीं थी। तो इसलिए महाभारत का एग्जैक्ट डेट देना तो मुश्किल है, बट एक पीरियड बिटवीन 3000 टू 2000 बीसी प्रीटी मच फिट्स इन विद दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स एंड द जियोलॉजिकल फिनोमिनन्स ऑफ महाभारत। अब हम देखते हैं महाभारत के बाद चेंजेस क्या क्या आए। हम पिछले पार्ट वन में हमने देख जाना था बैटल ऑफ 10 किंग्स और दस या फिर दसर्जना के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि जैसे दसर्जना या बैटल ऑफ 10 किंग्स वैदिक एज की शुरुआत थी, एटलीस्ट वैदिक एज का फर्म एस्टैब्लिशमेंट था वो लड़ाई, महाभारत की लड़ाई वैदिक एज का अंत है। पांडव्स महाभारत की लड़ाई को जीतने के बाद कुछ साल राज करके अपना किंगडम छोड़ गए थे और उसके बाद इन्होंने चढ़ाई करी थी स्वर्ग रोहिणी की। स्वर्ग रोहिणी वही जगह है जहां से आज भी सरस्वती नदी टॉस नदी की फॉर्म में निकलती है और ये चढ़ाई करते करते पांडव्स पेरिश हो गए थे। अगर इसके बारे में अगेन इंफॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली चेक द प्रेजेंटेशन
on Saraswati River route. Link would be in the description. और जैसा कि हमने डिस्कस किया, मगध किंगडम, मगध एम्पायर, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया था महाभारत की लड़ाई से पहले, इसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई कंपेयर टू द वैदिक और दी वैदिक एम्पायर ऑफ द भारत और कुरु डायनेस्टी. सो दिस प्रोसेस गेन्ड मोर इवन मोर ट्रैक्शन आफ्टर महाभारत. ऑल्सो क्योंकि महाभारत की लड़ाई से पहले बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल चेंजेस और उसके बाद भी जैसे जैसे लोगों का माइग्रेशन हुआ ब्रह्मपुत्र और आसपास के रीजन से जो कि वैदिक ट्राइब्स थे टू अदर प्लेसेस इन द मॉडर्न जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वैसे वैसे उन्होंने अपनी वैदिक फिलॉसफी को और जगहों पर फैलाया और इससे वैदिक फिलॉसफी का जो फैलाव है वो काफी बड़ा. Having said that, लेकिन इसका फ्लिप साइड यह हुआ कि क्योंकि वो रीजन और वैदिक और कुरु डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया महाभारत वॉर के बाद स्लोली एंड स्लोली, तो जहां पे वैदिक फिलॉसफी का जो गढ़ था ब्रह्मव्रत रीजन और आसपास का एरिया, वहां पे उसकी पकड़ जो है वो ढीली पड़ने लगी. तो ओवरऑल स्प्रेड इसका जरूर बढ़ा लेकिन जो इसकी पकड़ वाला एरिया था वो ढीला होने लगा और इसको रिप्लेस किया इवेंचुअली श्रमानिक फिलॉसफी ने. इस फिलॉसफी के और इनका कंपैरिजन हम किसी और दिन किसी और प्रेजेंटेशन में देखेंगे. ऑफ कोर्स फाइनली ये जो पूरा प्रोसेस है ये सुनने में थोड़ा सीमलेस लगता है बट इतना सीमलेस होता नहीं है कुछ भी. आफ्टर द वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्टेड डीजेनरेटिंग and before the Shramanic or the Magath civilization started coming up, in between a period of chaos raha hoga before this order got changed. So thank you very much for watching this presentation. Hope you liked it. Do subscribe to the channel and comment in case of any queries. Thanks a lot.